देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी साल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लागू करने का लक्ष्य तैयार कर रही है और इसी मुद्दे पर नीति आयोग ने एक अहम बैठक भी ली है जिसमें फैसला लिया गया है कि गाड़ियों में एक ही स्टैंडर्ड की बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही ऑटो कंपनियों की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में अब और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है अम्बरीश, ये समझेंगे आपसे। देखिए, ड्राफ्ट इसका बहुत पहले जारी कर दिया गया था और आज उस ड्राफ्ट में जो सुझाव आए थे, यानी कि 5 तारीख तक वो सुझाव की डेट थी, 5 तारीख तक जो सुझाव आए थे उनकी स्क्रूटनी चल रही थी। आज जो नीति आयोग है उसने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें कि कंज्यूमर अफेयर्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके अलावा भारी उद्योग मंत्रालय के सारे अधिकारी थे और उन्होंने दो अहम मुद्दों पर चर्चा की है। पहला तो ये कि जो बैटरी है, बैटरी के साथ जो गाड़ी आ रही है उसके टैक्सेशन को, और जो बैटरी के बिना जो गाड़ी आएगी उसकी टैक्सेशन को थोड़ा अलग रखा जाए ताकि लोगों को डिफ्रेंशिएशन पता चल सके और उनको बिना बैटरी वाली गाड़ी लेने के लिए वो खुद से आगे आए। इसके अलावा जो दूसरा मेन इश्यू था वो ये था कि स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि बैटरी और जो पूरा इकोसिस्टम है उसका एक तरह की गाड़ियों के लिए स्टैंडर्ड तय किया जाए। यानी कि अगर आप टू व्हीलर खरीद रहे हैं तो किसी भी कंपनी का टू व्हीलर आप खरीदेंगे, एक ही तरह की बैटरी लगी होगी, एक ही तरह का सर्किट लगा होगा और उसकी जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है वो कितनी आसान की जा सकती है उसको लेकर डिस्कशन हुआ है। और ये पहले चरण में इसको शुरू करने की जो शुरुआत है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होगी, यानी कि टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसेस हैं उनके लिए सुविधा शुरू होगी पहले चरण में। सरकार ये चाहती है कि सारा डिस्कशन का जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। आज ये पहली बैठक थी सुझावों के बाद की, जल्दी ही इसके लिए बीआईएस की एक अलग बैठक बुलाई जाएगी, इसके अलावा ऑटो कंपनीज की बैठक बुलाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि जो डिजाइनिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको आप समझकर एआरएआई से आप उस हिसाब से अगली जो मैन्युफैक्चरिंग है अपनी वो कंटिन्यू कीजिए। और सरकार ये चाहती है कि ये पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके इस साल के अंत तक ये पॉलिसी को जारी कर दिया जाए और अगले साल की कोई डेडलाइन तय करके सरकार इसको लागू कर देना चाहती है। जी बहुत धन्यवाद करेंगे अम्बरीश इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ईवी को मिलेगी रफ्तार, जल्द होगी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे।